मैत्री इंडिया के सभी दर्शकों को सादर से भी आरक्षण इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हम अब उन विषयों पर चर्चा करेंगे कि पिछले 70 वर्षों में आरक्षण को लेकर न्यायालय का क्या रुख रहा है और उसके क्या क्या परिणाम हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरक्षण पर सबसे पहला संशोधन जो हुआ वो संविधान लागू होने के एक साल पश्चात, मतलब 1950 को संविधान लागू हुआ और 1951 को 1951 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और उसके अनुसार संविधान में संशोधन करना पड़ा। तो ये क्या था मामला, ये तो हुआ यह था कि 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक सरकारी आदेश पारित करके सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाति के आधार पर आरक्षण लागू किया था। इसके विरुद्ध मद्रास हाईकोर्ट ने इस आदेश को निरस्त कर दिया। तो इसके विरोध में चंपकम दोराई राजन नाम की महिला ने मुकदमा दायर किया था मद्रास राज्य हाईकोर्ट में और मुकदमा दायर करके यह कहा था कि यह जो आरक्षण दिया जा रहा है 1950 के बाद यह आरक्षण दिया जा रहा लागू रखा जा रहा है तो यह आरक्षण मौलिक अधिकारों का हनन करता है, विशेष रूप से 16(2) का, अनुच्छेद 16(2) का हनन करता है यह आरक्षण का आदेश, जातिगत आरक्षण का, क्योंकि 16(2) में कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो इस अनुच्छेद का यह आरक्षण जो है विरोध करता है, तो इसलिए यह आरक्षण रद्द कर दिया जाए जो कि मद्रास राज्य में दिया जा रहा था, मद्रास प्रेसिडेंसी में दिया जा रहा था। तो मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और चंपकम दोराई राजन विरुद्ध मद्रास राज्य में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस के पीठ ने, 7 न्यायाधीशों की पीठ ने भी यही फैसला सही माना, मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सही माना और मद्रास राज्य द्वारा दिया जा रहा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में दिया जा रहा आरक्षण जो निरस्त कर दिया। तो यह निर्णय आने के बाद में 1951 में जब ये निर्णय आया तो यह निर्णय आने के बाद में केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को सोचना पड़ा कि अब कैसा होगा। अगर आरक्षण दिया जाता है और वह अन्य लोगों के या मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो क्या किया जाना चाहिए। तो 1951 में संविधान संशोधन करना पड़ा। यह पहला संविधान संशोधन था जो आरक्षण को लेकर था और उस वक्त में उस संविधान संशोधन में अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया, अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया और जिसमें कहा गया कि भले ही यह अनुच्छेद कुछ भी कहता हो लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति की बेहतरी के लिए प्रावधान करने का पूरा अधिकार जो है वो राज्य सरकारों को जाता है, आरक्षण देने का, शैक्षणिक आरक्षण देने का, नौकरी में आरक्षण देने का। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके बाद में सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ा और संवैधानिक रूप से कलम 16(4) अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान करना पड़ा। उसी वक्त में 1951 में ही संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके पहले संविधान में 8 अनुसूचियां थी लेकिन इस निर्णय के बाद में संविधान में 9th शेड्यूल जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और उस 9वीं अनुसूची के तहत वो संविधान की धारा 31(b) के अंतर्गत ये 9वीं अनुसूची बनी और इस 9वीं अनुसूची में को इस प्रकार से बनाया गया कि इस सूची में जो भी नियम या निर्णय डाले जाएंगे वो ज्यूडिशियल पर्यू के बाहर होंगे, मतलब उनकी न्यायालयीन समीक्षा नहीं की जा सकेगी भले ही वो मौलिक अधिकारों का हनन करते हो। ये बहुत बड़ी बात उस वक्त में कही गई और 9वीं अनुसूची बनाई गई संविधान में, जोड़ी गई संविधान में और 9वीं अनुसूची में आने वाले जितने भी निर्णय थे सरकार के या जो नियम बनाए गए थे, जो लॉस थे, जो कानून थे, उन्हें न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। इसका परिणाम यह होगा कि हुआ कि संविधान संशोधन के द्वारा या राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कानून 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। तो इस आधार पर इसके बाद में ऐसा हुआ कि तमिलनाडु सरकार ने फिर आरक्षण लागू किया, शेड्यूल कास्ट को 18% आरक्षण, शेड्यूल ट्राइब को 1% आरक्षण, बैकवर्ड क्लासेस को 20% आरक्षण, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को 30% आरक्षण, ऐसा तमिलनाडु सरकार ने कुल
69% आरक्षण अपने राज्य में लागू कर दिया, 69% 69% आरक्षण लागू कर दिया और उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अब संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के बाद इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है अनुच्छेद 31B के अंतर्गत कि जो भी कायदे कानून 9वीं अनुसूची में डाले जा सकते हैं, डाले जाएंगे, वे न्यायालयीन समीक्षा की परिधि से बाहर रहेंगे। इतना स्पष्ट होने के बावजूद भी 11 जनवरी 2007 को कोयलो विरुद्ध तमिलनाडु राज्य के मुकदमे में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला दिया कि 23/4/1973 के बाद जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे वे न्यायिक समीक्षा के दायरे में होंगे यदि वे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। तो अब देखिए, 9 जजों की पीठ ने इसके बावजूद भी संविधान में प्रावधान होने के बावजूद 9वीं सूची में डाले गए कानून की कोई समीक्षा नहीं होगी। संविधान की 9 न्यायाधीशों की पीठ 11 जनवरी 2007 को यह कहती है कि वे भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाए जाएंगे। तो ये न्यायालय का पहली बार राज्य के मामले में एक प्रकार से हस्तक्षेप ही कहा जाएगा, वो हुआ है। अब सवाल आगे बढ़ते हैं हम लोग कि तमिलनाडु सरकार ने तो राज्य में 69% आरक्षण लागू कर दिया, राजस्थान में शेड्यूल कास्ट को 16%, शेड्यूल ट्राइब को 12%, ओबीसी को 21% और ईबीसी को 14% और 5% एसबीसी को, स्पेशल बैकवर्ड क्लास को, ऐसा कुल मिला करके 68% आरक्षण दिया जा रहा है, चालू है आज भी राजस्थान सरकार में। छत्तीसगढ़ में शेड्यूल कास्ट को 12%, शेड्यूल ट्राइब को 32%, बैकवर्ड क्लास को 14%, कुल मिला करके 59% आरक्षण दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी 13% शेड्यूल कास्ट, 7% शेड्यूल ट्राइब, 19% ओबीसी, 2% स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस, 11% DTNT, ऐसा मिलाकर कुल 52% आरक्षण दिया जा रहा है। मतलब इन चारों राज्यों में हम अगर देखें तो 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ तमिलनाडु में जो 69% आरक्षण दिया जा रहा है वो संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला गया है, उसे अभी तक कोई चैलेंज नहीं दिया गया है, लेकिन बाकी आरक्षणों को चैलेंज दिया जा रहा है। तो सवाल यह है कि जब आरक्षण पर संविधान ने कोई मर्यादा नहीं डाली थी, कोई 50% की मर्यादा संविधान में नहीं थी, संविधान के रचनाकारों ने, संविधान के प्रमुख शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, तत्कालीन संविधान सभा ने भी इस प्रकार की किसी मर्यादा का जिक्र, आरक्षण की मर्यादा का जिक्र संविधान में नहीं डाला था। लेकिन हुआ यूँ कि 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने M.R. बालाजी विरुद्ध मैसूर राज्य के मुकदमे में 7 न्यायाधीशों की जो पीठ थी उसने फैसला दिया कि आरक्षण की कुल मर्यादा 50% से ज़्यादा ना हो। क्यों दिया मुझे नहीं मालूम, ये 50% कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक बात याद आती है कि राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने अपने कोल्हापुर संस्थान में, अपने राज्य में 50% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए लागू किया गया था, शायद ये रेफरेंस रहा हो मुझे नहीं मालूम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ ने M.R. बालाजी विरुद्ध मैसूर राज्य के मुकदमे में 1962 में यह फैसला दिया कि आरक्षण की कुल मर्यादा 50% से ज़्यादा ना हो। केस क्या था? केस ऐसा था कि मैसूर राज्य में 31 जुलाई 1962 को मैसूर राज्य ने एक आदेश पारित करके राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 68% आरक्षण SC ST OBC को लागू कर दिया था, 68%। तो मैसूर राज्य ने अपने स्तर पर, अपने राज्य के स्तर पर सरकार ने फैसला लेकर आदेश पारित करके SC ST OBC के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 68% आरक्षण का फैसला ले लिया, जनसंख्या के आधार पर लिया, लोकसंख्या के आधार पर लिया। लेकिन यह मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की मर्यादा लागू कर दी, लेकिन इस पर कोई आधार नहीं दिया कि 50% क्यों, बल्कि आगे तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण का वास्तविक प्रतिशत प्रत्येक केस की वास्तविक परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट खुद ये बात को कह रहा है कि आरक्षण की वास्तविक मर्यादा जो है वो उस राज्य की या प्रत्येक केस की जो वास्तविक परिस्थितियाँ होगी उसके आधार पर उसका निर्णय किया जाएगा। लेकिन एक तरफ में 50% आरक्षण की वकालत भी की और दूसरी तरफ में यह भी कहा कि परिस्थितियों के आधार पर वो दिया जाएगा।
लेकिन फैसला तो आ गया, 7 जजों की, 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 50% आरक्षण तो लागू कर दिया, फैसला तो दे दिया उसके फेवर में, और ये मामला 7 जजेस की पीठ का था। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि मंडल आयोग का बड़ा आंदोलन देश में हुआ। ओबीसी को आरक्षण देने की, जब राज्य के स्तर पर तो दिया जा रहा था, जगह की जगह पे ओबीसी का आरक्षण था, लेकिन मंडल आयोग ने केंद्रीय स्तर पर पूरे भारतवर्ष में जब ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश की, तो मंडल आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट के पैरा 13.11 में कहा कि लोकसंख्या के अनुसार ओबीसी का प्रतिशत 52 है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मंडल आयोग की रिपोर्ट का जो पैरा क्रमांक 13.11 है वह कह रहा है कि लोकसंख्या के अनुसार ओबीसी का प्रतिशत 52 है, इसलिए उन्हें केंद्र सरकार की नौकरियों में 52% आरक्षण मिलना चाहिए, परंतु यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों जिसमें आरक्षण की मर्यादा 50% रखने की बात कही गई है के विरुद्ध होगा। इसलिए यह आयोग यह सिफारिश करता है कि एससी को और एसटी को जब पहले ही 22.5% आरक्षण मिल रहा है, तो पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए, जबकि उनकी जनसंख्या इससे दोगुनी है। अब देखिए, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि ओबीसी की जनसंख्या 52% है, ये बात सच है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जो निर्णय दिए, उसमें बालाजी के निर्णय का उन्होंने उल्लेख किया कि एमआर बालाजी विरुद्ध मैसूर सरकार का जो 1962 का जो फैसला था 9 जजेस की पीठ का, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह चुका है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, और चूँकि एससी एसटी को पहले से ही 22.5% आरक्षण मिल रहा है, तो हम सिफारिश करते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। यह बात मंडल आयोग में कही गई, और फिर इस मंडल आयोग को लेकर जो मुकदमा चला, जिसे इंदिरा सवानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मुकदमे के नाम से जाना जाता है, इंदिरा सवानी विरुद्ध भारत सरकार का जो मुकदमा है, तो 16 नवंबर 1992 को यह रिपोर्ट आई, और इस निर्णय में भी 9 जजेस की पीठ ने निर्णय दिया कि आरक्षण की मर्यादा 50% ज़्यादा ना हो। एक बात इस फैसले ने की, और वो बहुत ही विवादपूर्ण फैसला कहा जाता है, 9 जजेस की पीठ ने इस बात को कहा, उन्होंने बालाजी के निर्णय को अपहोल्ड किया, उसे माना कि 50% से ज़्यादा आरक्षण की सीमा नहीं होनी चाहिए, मंडल आयोग की रिपोर्ट में भी बात आई, लेकिन जो मंडल आयोग की रिपोर्ट में जो बात नहीं थी, उसको अतिरिक्त चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के कानून के रूप में लागू करवा दिया, और वो था क्रीमी लेयर का फैसला। कि एक तो फैसला उन्होंने कहा कि आरक्षण की मर्यादा 50% तक ना हो, और दूसरा ओबीसी आरक्षण पर, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण पर उन्होंने क्रीमी लेयर लागू कर दिया। और ये क्रीमी लेयर क्या था, कि क्रीमी लेयर यह था कि ओबीसी जातियों में, ओबीसी वर्गों में जिनकी आय एक निश्चित से ज़्यादा अगर होती है, तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी पहली बार आरक्षण को एक आर्थिक आधार सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया। और दुख की बात यह है कि ओबीसी संगठनों ने, ओबीसी समूह ने, ओबीसी लोगों ने इस बात को मान भी लिया, कोई इसके खिलाफ नहीं बोला। क्यों आई यार, जब इस संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की बात कही गई है, आर्थिक पिछड़ेपन की बात नहीं कही गई है। हाँ, पिछड़े वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए सरकार ने प्रावधान करने चाहिए, काम करने चाहिए, बात जरूर कही गई है, किंतु आरक्षण लागू करने के लिए, इनकी बेहतरी के लिए सिर्फ दो ही तत्वों को सामने रखा गया है, एक था शैक्षणिक पिछड़ापन और दूसरा था सामाजिक पिछड़ापन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे बाहर जा करके मंडल आयोग की रिपोर्ट, मंडल आयोग के उस न्यायालयीन फैसले पर यह बात कही, और तब से आरक्षण, ओबीसी आरक्षण पर क्रीमी लेयर लागू कर दिया गया। ओबीसी समाज ने इस बात को स्वीकार कर लिया, उनके नेताओं ने स्वीकार कर लिया, संविधान स्वीकार कर लिया, तो इस प्रकार की ये बात की। तब से ये मंडल आयोग के संस्तुति से जो आरक्षण लागू किया गया, उस पर क्रीमी लेयर लागू कर दिया गया। तो ये क्रीमी लेयर क्या है, अभी उसका दायरा बढ़ाते बढ़ाते मैं सुनता हूँ कि 6.5 लाख तक, 6 लाख तक उन्होंने कर दिया है, कि 6 लाख तक जिनका, 6 लाख से ऊपर जिनकी आय होगी, वे ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे।
उन्हें मंडल आयोग के अंतर्गत आरक्षण ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसके पहले ये मर्यादा 4-4.5 लाख कुछ थी, उसके पहले 2.5 लाख थी, उसके पहले जब ये फैसला आया था तब 1 लाख थी। यानी जिस ओबीसी वर्ग के व्यक्ति का वार्षिक उत्पन्न वार्षिक आय आमदनी उनकी 1 लाख होगी तो उसे आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये क्रिमिनल। फिर कालांतर से इसको बढ़ाते बढ़ाते गए, अभी सुनते हैं कि 6 लाख तक वो लिमिट रखी गई है। वो 6 लाख से ज़्यादा अगर फिर 6 लाख से कम यदि आय है तो वही ओबीसी वर्ग का व्यक्ति जो है वो आरक्षण का लाभ ले पाएगा, बाकी नहीं ले पाएगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए जो सक्षमता चाहिए, आरक्षण का लाभ लेने के लिए जो सक्षम होगा वही ले पाएगा। अब अत्यंत गरीब जो होता है वह आरक्षण का लाभ लेने में समर्थ नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से ही वैसा पिछड़ा हुआ है, उसके पास संसाधन ही है, वो उसके पास शिक्षा नहीं है तो रोजगार में कहाँ से आएगा। तो उसकी पहले शैक्षणिक दशा शैक्षणिक स्थिति सुधारनी चाहिए ताकि वो आरक्षण के दायरे में आ सके। अब इसका परिणाम यह हो रहा है कि अकेडमी लेयर लगा देने का कि ओबीसी का आरक्षण कभी पूरा भरा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि जो 6 लाख से अधिक उत्पन्न वाला वर्ग है वो उस आरक्षण का लाभ ले नहीं पाता है और जो उससे कम वाला वर्ग है वो लेने में असमर्थ रह जाता है। तो इस वजह से आज तक भी ओबीसी का आरक्षण कहीं भरा नहीं जा रहा है, और दुख की बात यह है कि ओबीसी संगठन इस तरफ ध्यान नहीं दे रही जितना देना चाहिए उन लोगों ने। अभी एक और आगे बढ़ते हैं हम। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले आए हैं जो संवैधानिक आरक्षण को बहुत बड़ा धक्का इनकी वजह से लगता है। ये 2 फैसले हैं, मैं माननीय न्यायालय की क्षमा चाहूँगा, लेकिन मुझे जो लगता है मैंने कहना चाहिए, ये मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्र, मुझे जिस प्रकार से दिख रहा है मैं सिर्फ विवेचन कर रहा हूँ कि अभी जो मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का जो निर्णय आया है जिसमें 2 जजेस के बेंच ने निर्णय दिया 7 फरवरी 2020 को, अभी 2-3 महीना पहले एक बहुत अनूठा निर्णय आया है प्रमोशन में आरक्षण को लेकर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रोन्नति में आरक्षण को लेकर जो एक फैसला आया है वो 2 जजेस के बेंच ने फैसला दिया है। मुकेश कुमार वर्सेस उत्तराखंड राज्य का जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा था, तो केस क्या था, केस ऐसा था कि उत्तराखंड सरकार ने एक समिति गठित करके राज्य की सेवाओं में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक समिति स्थापित की थी, और वो समिति ने अपना जानकारी लेने के बाद उस समिति ने राज्य सरकार के सामने अपना अहवाल रखा, रिपोर्ट रखी, उसमें कहा कि राज्य सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और सन 2012 में राज्य सरकार के कैबिनेट की सिफारिशों को भी इस समिति ने अनुमोदित कर दिया था। तो जो समिति सरकार ने बनाई थी, और सरकार की बनाई हुई समिति जब सरकार को रिपोर्ट पेश करती है कि आरक्षण का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है दलित वर्गों को नौकरियों में, और इस संबंध में जो कैबिनेट समिति थी उसके निर्णय को भी लागू किया जाए और आरक्षण के दायरे में लाया जाए, इनको आरक्षण पूरा लागू किया जाए, तो सरकार ने इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार ने 5/9/2012 को 5 सितंबर 2012 को फैसला देकर नियुक्तियों में और पदोन्नति में आरक्षण देने से इनकार कर दिया। एक तो सरकार खुद समिति नियुक्त करती है, उनसे पता लगाती है, और पता लग जाता है कि भाई ये नहीं, इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो सरकार फिर एक जीआर लागू कर देती है और बोल देती है कि हम कोई इनको देने के पक्ष में नहीं है, तो आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है और पदोन्नति में भी आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। तो इस प्रकार का 5/9/2012 का जीआर था। तो इसके इस जीआर को लेकर के ही मुकेश कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ये मामला बना, कोर्ट में गया, और कोर्ट ने अपने फैसले में 7 फरवरी 8 साल बाद ये फैसला आया, तो 7 फरवरी 2020 को 2 जजेस की बेंच ने फैसला दिया कि नियुक्तियों में तथा पदोन्नति में आरक्षण यह मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच यह कहती, पीठ यह कहती है कि नियुक्तियों में और पदोन्नतियों में आरक्षण यह मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि आर्टिकल 16(4)(a) और 16(4)(b) आर्टिकल 16 ही मौलिक अधिकार है, तो 16(4)(a) और 16(4)(b) किस आधार पर मौलिक अधिकारों के बाहर हो जाते हैं, ये मौलिक अधिकार नहीं है ऐसा कैसे कहा जा सकता है, ये मेरी समझ से बाहर।
दूसरा वो कहते हैं कि अनुच्छेद अपना निर्णय में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के कि अनुच्छेद 16(4) ये केवल सक्षमीकरण करने का प्रावधान है, इनेबलिंग प्रोविजन है, मौलिक अधिकार नहीं है, सक्षम करने का प्रावधान है। क्या सक्षम करने का प्रावधान है? कैसे सक्षम करने पर अगर वो लागू ही नहीं होता है तो उससे सक्षमीकरण कैसे किया जाएगा? वो इनेबल कैसे करती है वो धारा, अगर वो लागू नहीं होती तो इनेबल कैसे करती है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहते हैं मौलिक अधिकार नहीं, इसे लागू करना करना राज्य के हाथ में। तीसरी बात ये कहती है कि प्रोन्नति और अपॉइंटमेंट में, प्रमोशन और अपॉइंटमेंट में, नियुक्तियों में और प्रोन्नति में आरक्षण देना या नहीं देना ये राज्य सरकार के निर्णय क्षेत्र में आता है। ये तो संवैधानिक था, हम तो आज तक समझ रहे थे संवैधानिक है, और संविधान के आधार पर राज्य सरकार दे रही है। कोर्ट कह रहा है कि ये पूर्णतः राज्य सरकार के निर्णय क्षेत्र में आता है, राज्य सरकार चाहे तो ना दे सकती है, तो कैसे संविधान का उल्लंघन नहीं होता है? आगे कहती है कि राज्य की, ये चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथे पॉइंट में ये निर्णय कहता है कि राज्य की सेवाओं में पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं, इस संबंध में राज्य को क्वांटिफाइबल डाटा इकट्ठा करने के लिए भी न्यायालय निर्देश नहीं दे सकता। अब देखिए, यानी राज्य को अपने राज्य में यदि ढूंढना है कि वाकई इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुआ है या नहीं, इसके लिए क्वांटिफाइबल डाटा जो है, संख्यात्मक आंकड़ात्मक जो डाटा तैयार करना निकालना है, तो ये जानकारी निकालने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जो है राज्य सरकार को कोई निर्देश नहीं दे सकता है। और पांचवें अपने पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है यहाँ पर कि राज्य की सेवाओं में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यह बात यदि न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर भी दी गई तब भी राज्य सरकार को आरक्षण देने के बारे में न्यायालय कोई निर्देश नहीं दे सकता। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट स्वयं ये कह रहा है कि राज्य सरकार की नौकरियों में, सेवाओं में अगर पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको उनका संवैधानिक हक यदि नहीं दिया गया है, तब भी यह न्यायालय, और न्यायालय अगर इस बात के सामने, ये बात खुलकर आती है न्यायालय के सामने भी, तब भी न्यायालय राज्य सरकार को इस आरक्षण के बारे में, लागू करने के बारे में कोई निर्देश नहीं दे सकता। हमें तो बचपन से स्कूल में यह पढ़ाया गया था कि संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी न्यायालय की है, संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करने की, संविधान के अनुच्छेदों को लागू करने की, अगर उसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसे रोकने की। कुल एक मिलाकर देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेदों की या संविधान के रक्षा करने की जिम्मेदारी, व्याख्या करने की जिम्मेदारी जब न्यायालय की है तो न्यायालय अपनी जवाबदेही से कैसे मुकर सकती है? और जबकि इस केस में मुकेश कुमार विरुद्ध उत्तराखंड राज्य सरकार का जो ये केस और फैसला आया है अभी 2020 में 7 फरवरी को, उसमें यह दो जजेस की बेंच कह रही है कि हम इस प्रकार का कोई निर्देश राज्य सरकार को नहीं दे सकते और ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो अभी आपको सोचना है कि यह निर्णय संवैधानिक दायरे में कैसा ठीक है, नहीं है, सर ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ। अब देखिए, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय इसके पहले क्या कहा था, कुछ विरोधाभासी हैं। 19 सितंबर 1975 को 7 न्यायाधीशों की पीठ ने एनएम थॉमस विरुद्ध केरला राज्य के केस में 7 जजों की पीठ ने एक निर्णय दिया था। अब हम आते हैं 1975 के निर्णय पे कि अभी जो फरवरी 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2 जजेस बेंच का आया वो, और इसके पहले 7 जजेस की जो बेंच ने, 7 न्यायाधीशों की बेंच ने 19 सितंबर 1975 को जो फैसला दिया था उसमें क्या कहा था। अब उस फैसले में न्यायालय कहता है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अनुच्छेद 14, 15 और 16 यह संवैधानिक गारंटी के तहत दिए गए अधिकारों की श्रृंखला है। पहला पॉइंट कहता है 7 न्यायाधीशों का यह पीठ 19 सितंबर 1975 एनएम थॉमस विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला के केस में सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह रहा है और बड़ा पीठ कह रहा है कि अनुच्छेद 14, 15 और 16 यह संवैधानिक गारंटी के तहत दिए गए अधिकारों की श्रृंखला है। दूसरी बात कोर्ट कह रहा है कि अनुच्छेद 16 यह अनुच्छेद 14 में दी गई समता की गारंटी का हिस्सा है। तीसरी बात कोर्ट कहता है कि अनुच्छेद 16(1) के तहत दी गई समता की गारंटी का मतलब परिणामकारक भौतिक समता है,
अनुच्छेद 16 चार यह 16 एक का अपवाद नहीं है, बल्कि यह उससे बढ़कर समता के अवसर प्रदान करने की कक्षा को आरक्षण देने तक आगे बढ़ाता है। अब एक तरफ में 7 जजेस की पीठ 1975 में जब कह चुकी है कि आर्टिकल 16 चार यह 16 एक का अपवाद नहीं है, यह गारंटी है, यह परिणामकारक भौतिक समता देने की गारंटी है और समता के अवसर प्रदान करने की कक्षा को यह आरक्षण तक बढ़ाता है, स्वयं 7 जजेस की पीठ इस बात को मान रही है। चौथे पॉइंट इस केस में कही गई है, इस निर्णय में कही गई है कि अनुच्छेद 16 एक यह सभी क्षेत्रों में समता स्थापित करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। यह अनुच्छेद 14 और 15 में अंतर्भूत समता की संकल्पना को प्रत्यक्ष कर लागू करने वाला उदाहरण है। ये सुंदर बात कही है। और पांचवा पॉइंट इस निर्णय में कहा गया है, पांचवा बिंदु यह है कि यदि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को रोजगार में अवसर की समानता समता प्रस्थापित करने के लिए आरक्षण की आवश्यकता इनिशियल स्टेज पर शुरुआती स्तर पर भर्ती के स्तर पर या प्रमोशन पदोन्नति में या दोनों स्तर पर महसूस होती है, तो अनुच्छेद 16 एक के तहत ऐसा ना करने की कोई वजह नहीं है, जबकि ऐसा करने से ही अनुसूचित जाति जनजाति के लोग समता के परिणाम स्वरूप अगड़े वर्गों के समकक्ष आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट 7 न्यायाधीशों का पीठ 1975 में इस बात को मान चुका है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को यदि सामान्य वर्ग के लोगों के समकक्ष लाना है तो उन्हें इनिशियल स्टेज पर मतलब नौकरी में सीधी भर्ती के समय, प्रोन्नति में और दोनों में भी यदि आरक्षण देना है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि राज्य सरकार के पास में क्यों लागू ना करें और उसे लागू करना चाहिए। इस प्रकार की बात 1975 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की पीठ कह चुकी है। मुझे बड़ा अचरज होता है इस बात को देख करके कि एक तरफ अभी 2020 में वही पीठ 2 जजेस की पीठ कह रही है कि देना न देना राज्य सरकार का के दायरे में आता है और यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है और हम कोई निर्देश इस प्रकार का राज्य सरकार को नहीं दे सकते। तो अब उससे पहले अब ये जो बातें जो 5 बातें जो अभी 2020 के जो आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तो इसके पहले ऐसा नहीं कि 1975 की बात अगर छोड़ दें तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को दोहराया है। फिर से मुझे लगता है ये 1975 का जो न्यायालय निर्णय आया सर्वोच्च न्यायालय का, ये शायद बड़ा अपवाद है, लेकिन समय समय पर अधिकांश रूप से अगर देखा जाए तो न्यायालय का नज़रिया आरक्षण को लेकर मुझे कुछ कुछ बायस्ड नज़र आता है। 19 जुलाई 2006 को नागराज विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि नियुक्ति में और पदोन्नति में आरक्षण देना मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 16 चार यह केवल सक्षमीकरण का प्रावधान है और पदोन्नति में आरक्षण देना या नहीं देना ये राज्य सरकार का निर्णय अधिकार है। यह 19 जुलाई 2006 के फैसले में भी नागराज विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। इसके बाद 11 मार्च 2016 को सुरेश चंद्र गौतम विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बात और जोड़ दी कि पर्याप्त प्रतिनिधि है या नहीं, इसके लिए डाटा कलेक्शन करने के लिए भी न्यायालय जो है वो क्वांटिफाइड डाटा जुटाने के लिए भी सरकार को नहीं कह सकता है। और 7 फरवरी के निर्णय में तो आप देख रहे हैं कि वो आरक्षण लागू अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तब भी राज्य सरकार को न्यायालय कोई आदेश नहीं दे सकता है कि वो आरक्षण लागू करे। तो ये जो अभी अभी जो रिसेंट फैसला जिसका जिक्र हम कर रहे थे 2020 का, फरवरी 2020 का, 7 फरवरी 2020 का, तो इसमें जो बात कही गई 5 पॉइंट, उसके पहले के 4 पॉइंट जो थे वो सुरेश चंद्र गौतम विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार का जो केस था 11 मार्च 2016 का निर्णय था उसमें 4 बातें आ चुकी थी, और नागराज विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था 19 जुलाई 2006 का तो उसमें भी ये बात आ चुकी थी। तो अब क्या है इस पर क्या कहें, एक बात सिर्फ मैं कहना चाहूँगा कि न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश भी मनुष्य होते हैं और मनुष्य जो होता है वो संस्कारों से निर्मित प्राणी होता है। तो जिस प्रकार के संस्कारों को लेकर व्यक्ति आगे बढ़ता है उसके पूरे जीवन में उन संस्कारों का प्रभाव होता है। जिस वर्गों से जो न्यायाधीश आते हैं उस वर्ग के कुछ विशिष्ट संस्कारों का प्रभाव यदि उन पर है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके द्वारा दिए गए निर्णयों में उन प्रभावों का असर जो है वह होगा या नहीं, निश्चित रूप से नहीं कह सकते। लेकिन एक बात मैं अभी पढ़ रहा था, 19 जुलाई 2019 को कोची में ब्राह्मणों का एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ था
19 जुलाई 2019 को कोची में ब्राह्मणों का एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें केरला हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी चिदम्बरेश ने एक बात कही थी। अब केरल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी चिदम्बरेश ने एक बात कही थी, वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो होता है वह जन्म से ही श्रेष्ठ होता है और पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही ब्राह्मण करके जन्म लेता है, वह द्विज है और इसलिए ब्राह्मणों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए आंदोलन करना चाहिए और जाति आधारित आरक्षण का विरोध करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश सार्वजनिक रूप से इस बात को कहता है तो हमने समझ लेनी चाहिए कि उनका न्यायिक चरित्र कैसा रहा होगा। और मैं सुनता हूँ कि अंग्रेज़ों ने कभी ये बात कही थी कि भारतीय न्यायाधीशों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, ये सारे के सारे एक विशिष्ट वर्ग से आते हैं और इन्हें न्यायाधीश नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये जातिगत विषमता के विचारों से ग्रसित होते हैं और यह निष्पक्ष न्याय नहीं दे सकते हैं। तो खैर मैं वो चर्चा छोड़ देता हूँ, अभी आगे बढ़ते हैं हम। अभी एक अंतिम बात की तरफ मैं आ रहा हूँ कि अभी हाल ही में पिछले माह में 22 अप्रैल 2020 को एक निर्णय आया। अब ये निर्णय देने का समय का जो चयन सुप्रीम कोर्ट ने किया है इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब देश पूरा कोरोना से कोविड-19 इस महामारी से विश्वव्यापी महामारी के विरुद्ध लड़ रहा है और देश में पूरी तरह से लॉकडाउन चल रहा है, रोजगार समाप्त हो जा रहे, तमाम तरह की परेशानियां हो रही है और हज़ारों लोग मर चुके हैं अभी तक के इस बीमारी की वजह से और त्रासदी त्राहीमाम हो रहा है देश के अंदर में, तो ऐसी हालत में अभी 22 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के एक विवादग्रस्त फैसला अभी दे दिया है और वो भी 5 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया गया है। केस क्या था? केस था कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 10 जनवरी 2000 को एक आदेश निकाला था। आंध्र प्रदेश सरकार ने 10 जनवरी 2000 प्रदेश को एक आदेश निकाला था कि दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षक नियुक्ति के लिए 100% आदिवासी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। अब दुर्गम प्रदेशों में जहाँ पर कोई शिक्षक जाना नहीं चाहते और जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ पर आदिवासी बड़े संख्या में रहते हैं तो उनके शैक्षणिक विकास के लिए, उनकी शैक्षणिक बेहतरी के लिए, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए, उन्हें पढ़ा लिखा बनाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करनी थी। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने सोचा, बड़ी चर्चा के पश्चात ही निर्णय होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि वहाँ तो कोई अन्य लोग जाना नहीं चाहते, शहरों के लोग उस दुर्गम प्रदेशों में जाना नहीं चाहेंगे, तो ऐसा किया जाए कि आदिवासी भाई ही अपने आदिवासी भाइयों को पढ़ाएं। तो इसलिए दुर्गम प्रदेशों में शिक्षकों की नियुक्ति में 100% आदिवासी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, इस प्रकार का किया। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आदिवासियों को शिक्षा में भर्ती के रूप में रोजगार मिल जाएगा, नंबर एक, और दूसरा अपने भाइयों को, अपने समाज के लोगों को पढ़ाने में आदिवासी जितनी आत्मीयता के साथ में वो काम कर सकता है उतना शायद दूसरा कोई नहीं कर सकता, तो आदिवासी भाई अपने आदिवासी भाइयों की बेहतरी के लिए वो अच्छे ढंग से उस काम को अंजाम दे सकेंगे। तो इस सोच के तहत यह आदेश जो था आंध्र प्रदेश सरकार ने 10 जनवरी 2000 को निकाला था। अब इस आदेश के विरुद्ध चेब्रुलू लीला प्रसाद नाम के व्यक्ति ने इस आदेश के विरुद्ध 2002 में कोर्ट में चुनौती दी। तो 2002 से यह कोर्ट चालू हुआ, चेब्रुलू लीला प्रसाद ने पहले आंध्र प्रदेश कोर्ट में इसका चला होगा और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया और 2002 से लेकर 2020 तक ये केस चला। 18 साल चेब्रुलू लीला प्रसाद ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में खींचा, 5 जजेस की बेंच, 5 न्यायाधीशों की पीठ और 18 साल बाद ये फैसला आ रहा है। 18 साल हो चुके थे, अगर कुछ महीने और रुक जाते, कोरोना समाप्ति के बाद फैसला आ जाता तो कोई अहित नहीं हो जाता था देश का, लेकिन जब देश में कोरोना संक्रमण से लोग परेशान हैं, जूझ रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसी हालत में वो भी अप्रैल की 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दीबाजी दिखाई फैसला देने में। 18 साल तक तो खामोश बैठे शायद, लेकिन कोरोना के समय में बराबर यह फैसला दे दिया और इस फैसले में उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार का यह निर्णय गलत है, इस निर्णय को निरस्त कर दिया जाता है। 18 साल पहले लिए गए एक फैसले को 18 साल बाद न्यायालय ने यह कहकर निरस्त कर दिया
कि 50% के ऊपर आरक्षण जब नहीं दिया जा सकता है तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 100% आरक्षण कैसे लागू कर दिया। मानवता का तकाजा यह है कि जिन लोगों को का विकास आरक्षण के कारण हुआ है, जिस समाज का, जिन समाज के भाइयों का विकास आरक्षण की सहूलियतों लेने के कारण हुआ है, उन पर यह दायित्व बनता है कि वे पे बैक टू द सोसाइटी करें और अपने समाज को लाभ पहुंचाने के लिए उस दिशा में सेवारत हों, कार्यरत हों। आंध्र प्रदेश सरकार ने आरक्षण से लाभान्वित अनुसूचित जनजातियों के लोगों को जो शिक्षक पेशा करना चाहते थे उनको नौकरियों में आरक्षण दिया, यह सोचकर नहीं दिया कि यह 50% के सरकार के आदेश को, 50% आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वायलेट कर रहा है, बल्कि यह सोच के दिया कि इनका दायित्व है कि ये अपने भाइयों को शिक्षा में आगे लाएं। इस मानवता के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने 22 अप्रैल 2020 के फैसले में, कोरोना लॉकडाउन के चलते इस फैसले में, इस बीच में जल्दीबाजी में दे दिए फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह चौंकाने वाली बात कही कि, और वो आरक्षण उन्होंने रद्द कर दिया। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया जो आरक्षण था 100% शिक्षकों की नियुक्ति का, अनुसूचित जनजातियों का, वह निरस्त कर दिया। लेकिन मजे की बात, सुप्रीम कोर्ट ने और 2-3 बातें इसमें कही। अब ये मैं मजे की बात इसलिए कहूँ कि विषय वो था नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने यह विषय ही नहीं था। विषय था आंध्र प्रदेश सरकार ने कौन सा GR निकाला, वो GR संविधान के अनुरूप सुसंगत है या नहीं है, इस पर न्यायालय को निर्णय देना था। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वह उस मुकदमे की लाइन से हट करके यह कह दिया कि SC ST वर्ग के संपन्न लोग अपने समुदाय के बाकी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने दे रहे हैं, इसलिए आरक्षण प्राप्त करने वाली जातियों की सूची की समीक्षा व संशोधन राज्य सरकारों ने करनी चाहिए। ये बात कहाँ से आ गई? ये जो बात कही गई डॉक्टर राजीव धवन, जो आंध्र प्रदेश सरकार के वकील थे इस केस में, तो उन्होंने सरकार के सामने, मजे की बात यह है कि मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे इस फैसले के समय में, उन्होंने एक सवाल पूछा था जहाँ तक मेरी जानकारी में है, और वो आई भी पब्लिक डोमेन में, कि उन्होंने धवन जी से, एडवोकेट राजीव धवन से सवाल पूछा था कि आरक्षण तो 10 साल के लिए दिया गया था, इसे कंटिन्यू क्यों किया जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ, क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश इस बात को नहीं जानते हैं कि जिस आरक्षण की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हो रही है वह राजनीतिक आरक्षण नहीं है, वह नौकरियों में भर्तियों का आरक्षण है जिसके ऊपर कोई समय सीमा नहीं थी, फिर भी वो सवाल पूछने की तो 10 साल के लिए दिया गया था। बड़े अचरज में डालने वाली बात है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों में एक संपन्न समुदाय, संपन्न वर्ग तैयार हो चुका है, और यह संपन्न वर्ग के लोग अपने ही समाज के गरीब लोगों को, गरीब लोगों को आरक्षण नहीं मिलने दे रहे हैं, 70 साल से यही लोग आरक्षण ले रहे हैं, तो अब इनको उस सूची से, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब की सूची से हटा दिया जाए, और इसके लिए राज्य सरकार ने सोचना चाहिए, इस दिशा में कार्य करना चाहिए, इस प्रकार की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। ये ऑब्जर्वेटिव पार्ट है, यह कोई ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट नहीं है, ये निर्णय नहीं है, कही है उन्होंने ये बात, लेकिन ये निर्णय के रूप में नहीं कही, चर्चा में आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चर्चा करते समय जो बहुत सारी बातें लिखी है उसमें यह बात आई है विशेष रूप से, जबकि यह उस मुकदमे का उस केस का कोई हिस्सा नहीं बनती थी, सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क पास कर दिया, और वो भी 5 न्यायाधीशों की पीठ ने। अब ये बात आ गई न्यायालय चर्चा में, अब इस पर चर्चा होगी बार बार, और कोशिश की जाएगी कि अनुसूचित जाति और जनजाति में जो संपन्न वर्ग तैयार हो चुका है उन पर क्रीमी लेयर लागू कर दिया जाए, या उनको आरक्षण के दायरे से बाहर निकाल दिया जाए, उनको हटा दिया जाए, और उनके समाज के गरीब लोगों को आरक्षण दिया जाए। अब आरक्षण कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम था? संविधान में आरक्षण जो दिया गया वह प्रतिनिधित्व है, भारत के शासन और प्रशासन में जिस समुदायों को भागीदारी नहीं मिली है उन्हें देने का प्रावधान है आरक्षण, ताकि उन्हें सामान्य वर्ग के समकक्ष लाया जा सके, इसके लिए प्रावधान किया गया है। यह कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, यह गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है कि गरीब वर्ग है इसलिए आरक्षण दिया जाए। अरे गरीब तबका समाज का जो है उसे पहले शैक्षणिक रूप से ऊपर लाना पड़ेगा, उसके लिए सरकार को योजनाएं बनानी पड़ेगी। जब तक वो शैक्षणिक रूप से ऊपर नहीं आ जाते
तब तक वे नौकरियों में और प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ किस प्रकार से ले पाएंगे? अगर ईमानदारी पूर्वक आरक्षण जब से लागू किया गया था तब से पहले 25 वर्षों में तो सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते थे। इस आधार पर कि कैंडिडेट नॉट अवेलेबल, बाद में नॉट सूटेबल, नॉट फाउंड सूटेबल, ऐसा कर करके ब्रेक लगा दिया जाता था अनुसूचित जातियों का। कितना अनुशेष रह गया। मंडल आयोग की रिपोर्ट के समय एक जो बात आई थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण 1990 तक 21 लाख नौकरियों का आरक्षण से अनुशेष था, सिर्फ अनुसूचित जाति जनजातियों में। केंद्रीय नौकरियों में 21 लाख नौकरियों का बैकलॉग था। अब एक व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर के नौकरी में जाता है तो सामान्यतः अपने घर में 5 लोगों का भरण पोषण करता है, 5 लोगों का पेट पलता है। 21 लाख नौकरियों का जब बैकलॉग है तो इसका मतलब आपने 1 करोड़ लोगों के मुंह का निवाला छीना है। 1950 से 1990 तक 40 साल में आरक्षण का यह हाल रहा है। अभी पिछले 25-30 वर्षों में ही जो पीढ़ी पढ़ लिख करके तैयार हो गई है, उच्च पदों पर जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि अब तुम सूची से हट जाओ, अब तुम सामान्य वर्ग के हो गए। अगर इस प्रकार की मानसिकता है तो मैं समझता हूँ यह इस देश में जो हजारों सालों से जो अन्याय हो रहा है उसी की श्रृंखला का एक हिस्सा है। आज भी दलितों को, जनजातियों को, पिछड़ों को उनके न्यायोचित मानवाधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। सरकार वोट की राजनीति के तहत जो काम सीधे सीधे नहीं कर सकती है वह न्यायालयों के मार्फत कराती है। ऐसी सोच इन आरक्षणवादी लोगों के मन में पैदा हो रही है कि सरकार भी हमारे साथ नहीं है, न्यायालय भी हमारे साथ नहीं है, तो फिर हमें जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, हम किस प्रकार से जिएंगे इस देश में। बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा गांधी को कहा था कि मिस्टर गांधी, आई हैव नो मदरलैंड। मैं कहता हूँ कि इसी प्रकार की स्थिति बनी रही तो हर दलित, हर आदिवासी और हर पिछड़ा, बहुजन समाज का हर व्यक्ति यही कहेगा कि वी हैव नो मदरलैंड। जय भीम।